नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक तौर पर नंदीग्राम से पर्चा भर दिया है और वह नंदीग्राम की राजनीति में अब कूद गए हैं। ममता बनर्जी के बाद आज उन्होंने यहां से अपना नॉमिनेशन किया। पर्चा भरने से पहले उन्होंने यहां के मंदिरों में पूजा पाठ की, हवन किया, उसके बाद भव्य रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। ममता को साफ चुनौती दी। नंदीग्राम की लड़ाई सियासी है, फैसला यहां के वोटर्स को करना है, लेकिन जनता की शरण में जाने से पहले नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भगवान की शरण में पहुंच गए। शुरुआत हुई सिंहवाहिनी मंदिर से। शुभेंदु के मुताबिक मां दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर में उनकी पुरानी आस्था रही है। वो जब भी नंदीग्राम आते हैं सिंहवाहिनी के सामने शीश नवाना नहीं भूलते। हर साल नॉमिनेशन के लिए पहले नॉमिनेशन मेरा नहीं है, आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं। सिंहवाहिनी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभेंदु उस शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसे 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। शुभेंदु उस आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ थे। यहां से शुभेंदु ने करीब 250 साल प्राचीन जानकीनाथ मंदिर का रुख किया। जानकीनाथ मंदिर में पूजा और हवन की भव्य तैयारी थी। शुभेंदु के यहां पहुंचने से पहले ही मंत्रोच्चार शुरू हो चुके थे। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस तस्वीर को आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। जानकीनाथ मंदिर में बनी यज्ञशाला में शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रोच्चार के बीच जय श्री राम का जय घोष किया। शुभेंदु अधिकारी अपने नामांकन के लिए निकल चुके हैं, लेकिन यहां पर आपको बता दें शुद्ध घी से यज्ञ की आहुति देने के बाद अभी भी कार्यक्रम लगातार जारी है और उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर पटरीजी लोगों की ओर से, अब देखिए यहां पर यज्ञ की आहुति देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और फिर यहां पर पूजा पाठ की जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से यहां पर जीत हासिल कर सके। ममता हो या शुभेंदु, पिछले कुछ दिनों से लगातार दोनों मंदिर मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं। साफ जाहिर हो गया है कि चुनावी लड़ाई आस्था साबित करने की लड़ाई में तब्दील हो रही है, लेकिन आज तक ने जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर चुनाव है। शुभेंदु दा, ममता बनर्जी यहाँ पर मंदिर मंदिर घूम रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू वोटरों को क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? अभी आप कुछ विकास के नाम पर चुनाव होगा। अभी यहाँ पर यज्ञ और हवन पूजन करने आए हैं? अभी यहाँ पर यज्ञ मंदिर है, ये आपका मंदिर है। नंदीग्राम किसका होगा? नंदीग्राम किसका होगा? दीदी को चोट लगा, दीदी बोला कि लोगों ने हमला किया, आपको लगता है ये बात? छोड़ी। बेशक चुनाव विकास के नाम पर लड़े जा रही हैं, लेकिन चुनावी जंग में ये मुद्दा अक्सर पीछे छूट जाता है। तीन दिन में शुभेंदु तीन मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की बदलती सियासी हवा को बताने के लिए ये तस्वीर काफी अहम है। भगवान को खुश करने के बाद बारी आई जनता की। पूजा अर्चना कर शुभेंदु रोड शो की शक्ल में नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो गए, लेकिन जय श्री राम का जय घोष यहाँ भी जारी रहा। शुभेंदु के लिए हल्दिया का ये मैदान पुराना है। शुभेंदु यहाँ के लिए नए नहीं है, नया सिर्फ शुभेंदु का सिंबल है। ये तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से परिणत हो राजनैतिक विश्वासयोग्यता पश्चिमबंगे शेष हो गई दल नेत्री एवं भाईपो एर बाहर बाकी कारोर সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই, অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। शुभेंदु को जीत का टॉनिक देने के लिए यहां बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद थे। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिग्गज प्रचारक भी थे। सबने शुभेंदु के हक में जमकर आवाज बुलंद की। शुभेंदु अधिकारी एक अच्छे मतों से यहाँ जीतेंगे, जनाधार वाला नेतृत्व है, हमें कोई संदेह नहीं, रत्ती भर भी संदेह नहीं है, शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। इस संकल्प के साथ कि राम राज्य की कल्पना
हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है। बोल चेक और नंदी ग्राम सवार मुखे नंदीग्राम के संग्राम का औपचारिक शंखनाद हो चुका है। अब इंतजार है 1 अप्रैल का, जब जनता फैसला सुनाएगी। अनुपम मिश्रा और पौलमी साहा के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। नंदीग्राम के संग्राम में गजब की गर्मी आ गई है। ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में पर्चा भरा, उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। जीतेगी ममता? हाँ, एकदम जीतेगी। फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है, महिला मुख्यमंत्री होना जरूरी है यहाँ पे? है, एकदम। बहुत उत्साह है कार्यकर्ता के अंदर, जो इतने साल के प्रतीक्षा के बाद सब आए हैं, आज के सुदिन आए हैं। बात नहीं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग दूसरे से ज्यादा सीट लेके आ रहे हैं, हल्दिया भी जीत रहा है। ये नंदी ग्राम का ट्रेलर है, ड्रिल, एक्शन, ड्रामा, रहस्य, रोमांच, तमाम मसालों से भरपूर। बंगाल के चुनावी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही सबसे धमाकेदार फिल्म की शूटिंग इसी नंदीग्राम में हो रही है। इसके कुछ दृश्य आप अब तक देख चुके हैं और कुछ ताजा नजारे आपकी नजरों के सामने हैं। जिस राह पर ममता, उसी राह पर शुभेंदु। ममता के अंदाज में ही शुभेंदु अधिकारी ने भी रोड शो किया, अपनी ताकत दिखाई, संगठन की भी ताकत दिखाई। शुभेंदु के संग संग बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा भी साथ चले। नंदीग्राम में महाभारत दोहराया जा रहा है। शुभेंदु का मुकाबला उन्हीं ममता बनर्जी से हो रहा है जिन्होंने उन्हें सियासत के सारे अध्याय सिखाए, उन्हें तराशा, चमकाया, बंगाल की राजनीति में जाना पहचाना चेहरा बनाया। आज दीक्षा देने वाली दीदी का शिक्षा पाने वाले शुभेंदु से मुकाबला है। चुनावी मैदान में दोनों का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पहले ममता का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं। 1984 लोकसभा चुनाव जाधवपुर सीट जीती, 1989 लोकसभा चुनाव जाधवपुर सीट हारी, 1991 लोकसभा चुनाव दक्षिण कोलकाता सीट जीती, 1996 लोकसभा चुनाव दक्षिण कोलकाता सीट जीती, 1998 लोकसभा चुनाव दक्षिण कोलकाता सीट जीती, 1999 लोकसभा चुनाव दक्षिण कोलकाता सीट जीती, 2004 लोकसभा चुनाव दक्षिण कोलकाता सीट जीती, 2009 लोकसभा चुनाव दक्षिण कोलकाता सीट जीती, 2011 विधानसभा चुनाव भवानीपुर सीट जीती और 2016 विधानसभा चुनाव भवानीपुर सीट जीती। स्ट्राइक रेट 90%। 10 चुनावों में सिर्फ एक बार ममता बनर्जी को हार का मुंह देखना पड़ा तो शुभेंदु अधिकारी का ट्रैक रिकॉर्ड भी 19 नहीं 20 ही कहा जाएगा। 2006 विधानसभा चुनाव कांती दक्षिण सीट जीते, 2009 लोकसभा चुनाव तुमलुक सीट जीते, 2014 लोकसभा चुनाव तुमलुक सीट जीते और 2016 विधानसभा चुनाव नंदीग्राम सीट जीते। स्ट्राइक रेट 100%। सवाल ये है कि क्या शुभेंदु की ये स्ट्राइक रेट 2021 में बरकरार रहेगी? बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नंदीग्राम में बीजेपी के प्रचार युद्ध का असर दिखने लगा है। अभी ये जंग और तीखी होने वाली है। अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं तो नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का किला है, इसीलिए नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई को साल की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ा राजनीतिक मुकाबला माना जा रहा है। तो शुभेंदु की शक्ति यहां पर क्या है, कैसी है उनकी शख्सियत? पश्चिमी मिदनापुर के कॉलेज ग्राउंड में भारी जन सैलाब के बीच शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जिस अंदाज में बीजेपी का दामन थामा था, उसी वक्त साफ हो गया था कि बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी शुभेंदु को कितना अहम मानकर चल रही है। आज जब नंदीग्राम में शुभेंदु के नामांकन में बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की फौज लगाई तो पश्चिम बंगाल बीजेपी में शुभेंदु की अहमियत पर एक बार फिर से मुहर लग गई। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुभेंदु अहम है क्योंकि वो उस अधिकारी परिवार से आते हैं जिसका 2 दशक से मिदनापुर इलाके में दबदबा है।
अधिकारी परिवार ने मिदनापुर में न सिर्फ टीएमसी की मजबूत बुनियाद रखी बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगातार जीत भी दर्ज की। परिवार के पुरोधा यानी शुभेंदु के पिता 89 साल के शिशिर अधिकारी 2019 में तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। वो मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे। शुभेंदु पहली बार 2006 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा पहुंचे थे। 2009 और 2014 में तुमलुक से लोकसभा चुनाव जीते लेकिन ममता सरकार में मंत्री बनने के लिए लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी और फिर नंदीग्राम से विधायक बन गए। शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी भी 2009, 2011 और 2016 में विधानसभा पहुंचे। बाद में शुभेंदु के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर लोकसभा पहुंचे। 2019 में भी उन्होंने ये सीट बरकरार रखी। शुभेंदु को उनकी अद्भुत संगठन क्षमता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के साथ बांकुरा और पुरुलिया में टीएमसी को मजबूत करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इन जिलों में लोकसभा की 9 और विधानसभा की 63 सीटें हैं। माना जाता है कि इनमें आधी सीटों पर शुभेंदु का दबदबा है। यही वजह है कि शुभेंदु को ममता के सियासी उत्थान का शिल्पकार माना जाता है। साल 2007 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस नंदीग्राम आंदोलन ने बंगाल में लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था उस आंदोलन का शिल्पकार शुभेंदु अधिकारी को ही माना जाता है जिसकी वजह से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल हुई थी। हालांकि अब ममता समर्थक शुभेंदु की अहमियत को नहीं मानते। आज जो नंदीग्राम का आदमी लोग एक कट्ठा होकर आंदोलन किया था किसको देख के किया था? एकमात्र नेतृत्व ममता बनर्जी। अधिकारी का कोई नहीं था। अधिकारी कहाँ से आया? नेत्री ममता बनर्जी को देख के आया। उसके आगे कोई आदमी नहीं उसको पूछता था। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज तक से बातचीत में शुभेंदु ने खुलासा किया था कि उन्हें ममता का साथ क्यों छोड़ना पड़ा। ये सबको लैंप पोस्ट बना दिया। काम करने का कोई स्कोप नहीं है। इसलिए सही वक्त पर मैं सही आवाज उठाया। मैं पिछले मार्च अप्रैल महीने से कैबिनेट में एब्सेंट हुआ। एक साल से मैं बना रहा। शुभेंदु का आरोप है कि टीएमसी में कोई कितना भी बड़ा नेता हो ममता और अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी की नहीं चलती। मंत्री होते हुए भी किसी को भी कुछ करने की छूट नहीं। 11 का मेरा ऊपर जो इंटरनल पार्टी का टर्चर 2014 का टर्चर ये मंत्री बनाया मैंने खुद नहीं मांग नहीं लेकिन का शुभेंदु बंगाल में बीजेपी की जीत के शिल्पकार बनने के लिए तैयार हैं। नंदीग्राम से नामांकन उसकी अहम कड़ी है। इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। नंदीग्राम की राजनीतिक लड़ाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। अपनी अपनी राजनीतिक आस्था के अनुसार लोग नंदीग्राम के घमासान को देख रहे हैं लेकिन नंदीग्राम में क्या है लोगों का मिजाज? पार्टी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, लहराते झंडे, पोस्टर और दीवारों पर लिखे नारे नंदीग्राम के गर्म होते सियासी मिजाज की झलक दिखा रही है। नंदीग्राम में चुनावी लड़ाई ममता और शुभेंदु अधिकारी की है। इसे बड़ी ही खूबसूरती से बीजेपी भूमि पुत्र बनाम बाहरी की बना रही है। मेदिनीपुर का भूमि पुत्र यानी शुभेंदु अधिकारी और बाहरी मतलब ममता। बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी का जो टेम्परेरी घर है नंदीग्राम उसके बाहर दीवार लेखन कर दिया गया है, भर दिया गया है और वहां पर साफ साफ लिखा गया है जो बांग्ला में लिखा गया है कि पा भांगेनी मौन भेंगेचे ताई तो दीदी फिरे गेचे। ये एक छंद के रूप में लिखा गया है और इसका मतलब है कि पा यानी पाँव नहीं टूटा मन टूटा है तभी तो दीदी वापस चली गई हैं। और उसके बगल में शुभेंदु अधिकारी का नाम है और ये दीवार लेखन है बीजेपी का। दरअसल बाहरी और भीतरी की लड़ाई खुद ममता बनर्जी ने शुरू की थी जब उन्होंने मोदी और शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को बाहरी बताना शुरू कर दिया। आज उन्हीं का हथियार बीजेपी नंदीग्राम में उन्हीं पर आजमा रही है। 14 साल में पहली बार ममता को सबसे कड़ी टक्कर मिली है। नंदीग्राम में शुभेंदु और ममता की चुनावी लड़ाई पश्चिम बंगाल की सियासी दिशा तय कर सकती है। अनुपम मिश्र और पौलोमी शाह के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।